अधिवेशन का दूसरा दिन हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। 8 दिसंबर को महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से विधानसभा को घेराव के लिए मोर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। युवकों की समस्या को लेकर यह मोर्चा आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ने पत्र परिषद में इस बाबत जानकारी दी। केंद्र सरकार का नवरोजगार उपक्रम जो है सिर्फ डाटा कलेक्शन का माध्यम है, ऐसा आरोप कुणाल राउत ने लगाया है। उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आपने एक संगीन आरोप लगाया है कि नवरोजगार एक डाटा कलेक्शन का माध्यम है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो बात एक है कि जिस प्रकार से नमो रोजगार इनने लाए, ये तो शासकीय कार्यक्रम है, लेकिन एक विशिष्ट पक्ष, मैं सीधा बोलता हूँ बीजेपी, ये बस बीजेपी का कार्यक्रम है क्या? ये तो शासन का कार्यक्रम होना चाहिए ना। मैं हर जगह होर्डिंग देख रहा हूँ, मैं हर जगह वॉलेंटियर्स देख रहा हूँ, ये बस बीजेपी के वॉलेंटियर्स है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसमें तो शासकीय लोग काम में काम करना चाहिए, इसमें शासकीय लोग करना चाहिए। इसी को लेके मैं 9 तारीख को कलेक्टर साहब का समय लेने वाला हूँ, और जिस प्रकार से आपने बीजेपी को ये शासकीय कार्यक्रम दिए, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमको भी एक समय दीजिए, हम भी एक माँ भर्ती के नाम पर हम भी एक कार्यक्रम लेंगे। और अगर वो एक विशिष्ट पार्टी को दे रहे तो हम भी एक बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, और हमको भी ये कार्यक्रम देना चाहिए। अभी जो आपने नवरोजगार का उपक्रम चल रहा है, क्या आप कलेक्टर से जब मीटिंग करेंगे तो इस बारे में जानकारी लेंगे कि कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला है? नहीं, मैं पहले तो देखूंगा कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कितने लोगों को रोजगार मिला। एक बार मैं ये पूरा कार्यक्रम देखना चाहूंगा, उसके बारे में पेपर में वगैरह जो भी न्यूज़ आएंगी उसमें पढ़ के मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरा ये इसमें आरोप यही है कि एक विशिष्ट पार्टी को दिया गया है, अगर ये पार्टी का कार्यक्रम है तो इसमें शासकीय यंत्रणा क्यों लगी है, इसमें शासकीय पैसा क्यों लगा है, इसमें सब कुछ शासकीय क्यों काम हुआ है? नहीं तो ये पार्टी ने किया करना चाहिए। हम भी हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से इंडिविजुअल कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन हमने किसी शासकीय प्रोग्राम, शासकीय यंत्रणा की कोई हमने मदद नहीं ली है। आज जिस प्रकार से बीजेपी शासकीय गवर्नमेंट की हम पूरी मदद लेके ये एक बीजेपी के लिए कार्यक्रम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। धन्यवाद। 8 दिसंबर को आप जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, 8 दिसंबर को मेरे सारे युवाओं को यही अपील करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य में 3.5 लाख नौकरियाँ खाली है। अगर आप लोगों को ये सरकारी नौकरियाँ चाहिए तो आप कृपया करके कल हमारे साथ ठीक 11 बजे अंजुमन कॉलेज के पास साथ में शामिल हो जाइए। आप हमारे साथ जितने संख्या में शामिल होंगे उतनी जोर से हम ये ट्रिपल इंजन सरकार को दबाने की कोशिश करेंगे, और ये जो शासकीय, ये जो सरकारी नौकरी है उसकी पूरी भर्ती करने की प्रयत्न करेंगे। सरकार तो बड़े वादे कर रही है कि वो युवाओं के बारे में काम कर रही है, रोजगार पर काम कर रही है, फिर भी आपको लगता है कि सरकार पीछे है युवाओं के? मैं नागपुर का ही एग्जांपल देता हूँ आपको। नागपुर में हमारी जब सरकार थी तो टाटा एयरबस नाम का एक 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए। उस प्रोजेक्ट के द्वारा 3,500 लोगों को नौकरी मिल रही थी। आज वो प्रोजेक्ट गुजरात चले गया या कहाँ चले गया पता नहीं, किसके कहने पे चले गया पता नहीं। यहाँ पे 2 हैवीवेट मंत्री है, एक केंद्र मंत्री है, एक सीएम, अभी डिप्टी सीएम है, 10 साल से, पिछले 10 साल से राज कर रहे। हमारी जब सरकार थी हमने मिहान प्रोजेक्ट लेके आया, उस मिहान प्रोजेक्ट में हम लोग कार्गो का कार्गो हब का भी इनने डिक्लेयर किया। वो कार्गो हब का है, मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से SCL जो हमारी जब सरकार थी हमने लेके आए, उसके बाद ऐसी इनने 10 साल में ऐसी कौन सी बड़ी कंपनी लेके आए जिससे नागपुर के युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिले? ये सब मुद्दे लेके आज हम विधानसभा का कल हम घेरावा करना चाहते हैं। मैं मेरे तमाम नागपुर के, विदर्भ के, महाराष्ट्र के तमाम मेरे युवा साथी से ये विनंती करता हूँ कि आप बड़ी संख्या में कल हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन हो जाइए, लाइव देखिए, फेसबुक में कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसमें जुड़िए। धन्यवाद। महाराष्ट्र में हैवीवेट मंत्री होने के बाद भी जो है युवाओं के समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही बात जो है महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत ने की है। उनका कहना है कि अगर युवाओं को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो उन्होंने कल जो विधानसभा घेराव का के लिए मोर्चा आयोजित किया जा रहा है उसमें शामिल होना चाहिए। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ में प्रकाश सुंकलवार, NBCN न्यूज़ नागपुर।